Good evening all of you. Myself Neha, assistant professor in RPS degree college Blan. Okay, तो इससे पहले हमने बात की थी हमारे लेक्चर में काउंटर करंट मैकेनिजम्स के बारे में. आज हम बात कर रहे हैं ओस्मो रेगुलेशंस. ओस्मो रेगुलेशंस की बात करने से पहले हम बात कर रहे हैं कि किडनी के बारे में, जो मेनली दो फंक्शन को परफॉर्म करती है. फर्स्ट इज द एस्क्रेशन, सेकेंड इज द ओस्मो रेगुलेशन. एस्क्रेशन मीन्स कि क्या होता है, कोई भी जो एस्क्रेटिव मटेरियल है उसको रिमूव करना, उसको हमने क्या बोला, एस्क्रेशन. मीन्स कि रिमूवल ऑफ वेस्ट, क्लियर, या फिर रिमूवल ऑफ द एस्क्रेटिव मटेरियल आर नोन एज द एस्क्रेशन. देन सेकेंड इज द ओस्मो रेगुलेशन. ओस्मो रेगुलेशन मीन्स कि क्या होता है, कंसेंट्रेशन, कंपोजिशन या ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड और बॉडी फ्लूड की, उसको मेंटेन करना, उसको हमने क्या बोला, ऑस्मो रेगुलेशन. लेकिन हम वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं, जब हम वॉटर को भी क्या करवाए, उसके कंटेंट को मेंटेन करवाए. तो ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स की होता क्या है, आयन और वॉटर, आयन एंड वॉटर के बैलेंस को मेंटेन करना. ये बैलेंस को मेंटेन करना बॉडी के अंदर, इन आवर बॉडी. दिस प्रोसेस आर नोन एज द ओस्मो रेगुलेशन. क्लियर. अब जो किडनी है वो अपना रोल कैसे प्ले करती है ओस्मो रेगुलेशन में, उससे पहले हम बात करते हैं ओस्मोलैरिटी की. ओस्मोलैरिटी, ओस्मोलैरिटी मीन्स की क्या होता है, कितने नंबर है सोल्यूट के इन द 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन. नंबर ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन आर नोन एज ऑस्मोलैरिटी, या फिर आप मोल के टर्म में भी बता सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. दिस प्रोसेस आर नोन एज द ऑस्मोलैरिटी. लेकिन वो यूनिट जिसमें हम इस टर्म को एक्सप्लेन करते हैं, उस यूनिट के बारे में बात करें तो वो यूनिट जिसमें हम ऑस्मोलैरिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं वो कौन सी यूनिट होती है, मिली ऑस्मोल पर लीटर. क्लियर. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम ऑस्मोल पर लीटर. क्लियर. मेनली टू टाइप के एनिमल्स होते हैं, एक होते हैं ओस्मो रेगुलेटर और एक क्या होता है, ओस्मो कंफर्मर, जो क्या करवा रहे हैं, ओस्मो रेगुलेशंस को मेंटेन करता है. मेंटेन मेनली कौन करता है, ओस्मो रेगुलेटर. लेकिन ओस्मो कंफर्मर में ऑस्मोलैरिटी मेंटेन नहीं होती है. टू टाइप के एनिमल्स है, एक है ओस्मो रेगुलेटर्स, सेकेंड इज ओस्मो कंफर्मर. क्लियर. ओस्मो रेगुलेटर वो एनिमल जो ऑस्मोलैरिटी है उसको मेंटेन रखे. मीन्स की ऑस्मोलैरिटी बॉडी फ्लूइड की इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द सराउंडिंग क्या रहे, मेंटेन रहे, ऐसे एनिमल को हमने क्या बोला, ऑस्मो रेगुलेटर्स. मेंटेन ऑफ ऑस्मोलैरिटी of osmolarity of body fluid irrespective of surrounding. क्लियर. बट ओस्मो कंफर्मर में क्या होता है, जो ऑस्मोलैरिटी है वो मेंटेन नहीं होती है. मीन्स कि वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग. क्लियर. ऑस्मोलैरिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड चेंज अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट. क्लियर.
यदि ओस्मोरेगुलेटर्स की बात करें तो इसमें जो वेरिएशन है कंसेंट्रेशन की वो बहुत ज्यादा कम होती है, इसलिए तो क्या होता है मेंटेन रहता है ओस्मोलैरिटी। मीन्स की वेरिएशन ऑफ कंसेंट्रेशन वो क्या होगा बहुत ज्यादा कम, दैट इज नैरो रेंज ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन क्लियर, बट ओस्मो कन्फर्मर में जो वेरिएशन है वो क्या होगा ज्यादा, वेरिएशन ऑफ कंसेंट्रेशन वो क्या होगा ज्यादा। मीन्स कि यहां पे क्या होगा बाय रेंज ऑफ ऑस्मोलैरिटी या बाय रेंज ऑफ वेरिएशन। क्लियर, एग्जाम्पल की यदि बात करें तो जो ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं वो मेनली क्या होते हैं ऑल वर्टिब्रेट्स आर ऑस्मो रेगुलेटर बट एक्सेप्ट हैगफिश। हैगफिश को छोड़ के जितने भी जो वर्टिब्रेट्स है वो सारे के सारे क्या है ऑस्मो रेगुलेटर। मीन्स की हम ह्यूमन बींग भी क्या है ऑस्मो रेगुलेटर्स है, जिसमें जो ऑस्मोलैरिटी है वो क्या होते हैं मेंटेन। क्लियर, लेकिन ऑस्मो कन्फर्म में अब क्या आ जाएगा हैगफिश वो क्या होगी ऑस्मो कन्फर्मर। क्लियर, इसके अलावा कुछ फ्रेश वॉटर इनवर्टिब्रेट्स भी क्या होते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। फ्रेश वॉटर इनवर्टिब्रेट्स मोस्टली, क्लियर, वो क्या होते हैं ऑस्मो रेगुलेटर। लेकिन ऑस्मो कन्फर्म में कुछ इनवर्टिब्रेट्स है फ्रेश वॉटर के और मोस्टली मराइन इनवर्टिब्रेट्स आर ऑस्मो कन्फर्म। क्लियर, अब किडनी कैसे अपना रोल प्ले कर रही है ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए, इसके बारे में हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर, दिस इज अबाउट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑस्मो रेगुलेशन। थैंक यू, हैव अ नेक्स्ट डे।